सब कुछ साफ सुथरा है, सारी देख लें। नहीं, इन्होंने जमीन खरीदी थी प्राइवेट पार्टी से, आप लोग जमीन ही खरीदे, एक बेची और दूसरी खरीदी, आप उसके ऊपर इनके ऊपर एंटी करप्शन लगा दिया, और जो बेचारे जिन्होंने बेची थी वो भी छुपे हैं, जिन्होंने बेची है ना वो बेचारे छुपे हैं। लेकिन आप ये सोचें कि जब आप, अब हमारे तो कोई बेचेगा भी कोई नहीं, इनको बेच के उसके बाद FIR हमारे ऊपर कर देंगे, हमें तो कोई जमीन छोड़े, हमें तो कोई सौदा भी नहीं बेचेगा। और सारे उसके सारे प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के पास सारे, नहीं सारे इन्होंने चेक से पेमेंट किया, और ये तो माशाल्लाह हम सब में से ये तो इतना हिसाब किताब रखने वाली हैं, और इनकी सारी पेमेंट्स चेक से हुई हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स मजबूत हैं। इनका केस सुनने बाद ये सब कुछ क्लियर होगा जब हमारे केसेस कोई सुनेगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। इमरान खान साहब की बड़ी बहन अलीमा खान और छोटी बहन उज़्मा खान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उज़्मा खान ने लैया में एक ज़मीन ख़रीदी, इसके ऊपर मीडिया में उनसे सवाल किया गया कि आपने वाकई उस ज़मीन में करप्शन की है, तो उन्होंने कहा कि सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, जिस पार्टी से मैंने ज़मीन ख़रीदी थी उनके जो पेमेंट की गई है वो सारे बैंक के थ्रू किए गए हैं और उनके सारे रसीद मेरे पास है, लेकिन अदालत हमारा केस नहीं सुनते हैं तो हम अपने आप को बेगुनाह कैसे साबित करें। ऊपर से सितम ज़रीब ये है कि जिन लोगों से हमने ज़मीन ख़रीदी उन बेचारों के ऊपर भी केस कर दिया है। अलीमा ख़ान ने कहा कि अब तो हमें ज़मीन तो छोड़े बड़ी बात है, अभी तो हमें कोई करियाना स्टोर में सौदा भी नहीं बेचेगा, क्योंकि वो कहेंगे कि अगर हमने इनको कुछ बेचा तो हुकूमत हमारे ऊपर भी केस कर देगी। यानी अब हालत ये हो गई है कि इमरान खान साहब के ख़ानदान को कोई चीज़ बेचने वाला भी नहीं है, जो उनको चीज़ बेचता है तो उनके ऊपर तो वैसे भी केसेस होते हैं, बेचने वाले के ऊपर भी केस होते हैं, और जिन लोगों ने उज़्मा खान को ज़मीन बेची है वो बेचारे अब रूपोश हो चुके हैं। फिर आके इस दजाली मीडिया पर लोग बैठ कर कहते हैं कि हमारे साथ भी इस तरह की ज़्यादतियाँ हुई हैं, कोई एक मिसाल तो बताएं कि इस तरह किसी के साथ यहाँ पर हुआ हो कि जिस शख्स के साथ जो लोग कारोबार करते हैं उन बेचारों के ऊपर भी FIR काटे जा रहे हैं, और जब केस करते हैं तो फिर उनका केस भी नहीं सुनते हैं, उनके केस को लटकाया जाता है, उनको सिर्फ जलील और ख्वार किया जाता है, अदालतों के चक्कर लगाए जाते हैं। आने वाले दिनों में देखते हैं कि रियासत मजीद इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ कितना नंगा नाचती है और ये निज़ाम और कितना एक्सपोज होता है। यकीन माने इस मुल्क को एक बनाना रिपब्लिक से भी बदतर बनाया गया है। बनाना रिपब्लिक तो एक छोटा सा लफ्ज़ अब मालूम होता है पाकिस्तान के सामने। आप इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में तिनाए ज़रूर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीलॉग में दोबारा किसी और टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखें।